हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एम्फैटिक स्टेटमेंट। आखिर ये क्या है? जब भी कोई सेंटेंस आप जोर देकर बोलते हैं तो उस कंडीशन में हम उसे एम्फैटिक स्टेटमेंट बोलेंगे। आप एम्फैटिक सेंटेंस भी पढ़े होंगे, एम्फैटिक के सेंटेंस को आप एम्फैटिक का स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन आज का जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि हम इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्ट को लिखें या फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज इसी पर चर्चा करते हैं, सीखते हैं, और ये आपको जीरो लेवल का बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और इस एडवांस को भी जान लेंगे, मतलब कुछ भी बताएंगे तो जीरो से लेकर हीरो तक आपको सिखलाने जा रहे हैं। तो अभी आपको सीखना है कि ऑब्जेक्टिव केस, मान लीजिए आई के लिए आई है, तो इसके लिए मी का प्रयोग करें या फिर आई ही रहने दें, यही है। मैं के लिए मी यूज़ करें या फिर आई का यूज़ करें, ये देखना है। तो देखिए, तुम ही तो हो, अगर किसी को कहना है तुम ही तो हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? तो एक बात याद रखेंगे, इस तरह के सेंटेंस में इट का प्रयोग करेंगे, तो इट इज यू। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होगा, मतलब यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा और उससे हम और क्या चेंजिंग करने जा रहे हैं वो सब एक एक करके देख लीजिए। जैसे मैं ही तो हूँ, अब यहाँ पर आप कर सकते हैं इट इज आई, या फिर इसमें आप मी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आने वाला है जहाँ पर आई ही होगा, मी नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ही तो हूँ, तो इसमें आप बोल सकते हैं इट्स आई या फिर इट इज आई फिर या फिर इट इज मी बोल सकते हैं। राजू ही तो है, तो आप बोलेंगे इट इज राजू। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि राजू जब भी कोई नाम हो तो सब्जेक्टिव केस में भी सेम और ऑब्जेक्टिव केस में भी यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, इस बात को याद रखेंगे। पैसा ही तो है, तो क्या करेंगे इट इज मनी। अब इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि मनी भी एक नाउन है और इससे हम ऑब्जेक्टिव केस में भी मनी ही लिखेंगे। उसके बाद है हम ही तो हैं, अब यहाँ पर देखेंगे इट इज वी कर सकते हैं और साथ में हम अस भी लिख सकते हैं, इट इज अस मतलब हम ही तो हैं, इट इज वी मतलब हम ही तो हैं, आप ये सीखे होंगे। उसके बाद क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया में जब भी आप अपने फोटो को पिक्चर को पोस्ट करते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ, इतना लिख देते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कैसे लिखा जाता है, जैसे मी विद माय फ्रेंड्स, बस इतना लिखा हो रहता है मी विद माय फ्रेंड्स। फिर कभी कभी लगता है कि ये मी कैसे हो गया, सब्जेक्ट शुरू में आई होना चाहिए, मी कैसे हो गया। तो आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में इट इज हिडन है, इट इज मी विद माय फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इट इज हिडन रहता है। लेकिन एक और बात जानेंगे, अगर इसी को फुल सेंटेंस में लिखना है तो यहाँ पर मी गायब हो जाएगा और आई लिखेंगे कैसे। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ पटना में हूँ, अब आपको क्या बोलना है, जैसे यहाँ पर तो लिखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम लिख दिए हैं कि भाई पटना में हूँ, मैंने जोर दिया कि पटना में हूँ, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे आई फिर लिखेंगे विद माई फ्रेंड्स, आई विद माई फ्रेंड्स एम इन पटना। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, एक तो आप देखें कि यहाँ पर आई करना होगा, मी नहीं करेंगे। जब भी अब सब्जेक्ट के रूप में पेश करने जा रहे हैं उसमें कुछ और भी हम ऐड करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में मी के जगह पर हम आई करेंगे। इसमें क्या ऐड हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस मैंने तैयार कर दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पर ये एम होगा, तो दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे कि आई विद माई फ्रेंड्स,
तो प्रिंस है तो आर क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह के सेंटेंस में जब भी कोई सब्जेक्ट विद से जुड़ा हुआ हो, अलोंग विद से जुड़ा हुआ हो, तो हम वहाँ पर, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई विद माई फ्रेंड्स आई एम इन पटना, ये हो गया। लेकिन अब इसी तरीके का इसे देख लेते हैं क्योंकि हार्ड है और इसे जानना भी जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन करेंगे, याद रखिए। चलिए और इस तरह का सेंटेंस देख लेते हैं, अभ्यास ही तो एक आदमी को संपूर्ण बना देता है। तो आप तो पहले से जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन आप पूरे सेंटेंस को देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, तो पूरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अभ्यास ही तो एक आदमी को संपूर्ण बना देता है, तो क्या करेंगे बोलिए, तो इट इज प्रैक्टिस, इट इज से शुरू करेंगे, इट इज प्रैक्टिस डैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब अभ्यास ही तो है जो एक आदमी को संपूर्ण बना देता है, परफेक्ट बना देता है। जोर देकर बोल रहे हैं कि अभ्यास ही तो है जो एक आदमी को परफेक्ट बना देता है, संपूर्ण बना देता है। उसी प्रकार देखेंगे, हम बार बार बोलेंगे कि अभी सेंटेंस में कुछ चेंजिंग आने वाला है आगे, इसलिए ध्यान से देखिए। परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है, ये सब सिंपल है, परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। तो इस कंडीशन में इट इज का प्रयोग करना जरूरी है, तो क्या करेंगे, इट इज परिश्रम ही, इट्स डैट इज सफलता की कुंजी है, तो इट्स लेबर डैट इज अ की टू सक्सेस। क्या हुआ, इट्स लेबर डैट इज अ की टू सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उसके बाद क्या है, अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो जिसने इस बच्चा को रुला दिया। पॉजिटिव सेंटेंस का भी यूज करेंगे और इसमें एम्फैटिक भी है, कैसे है, तो तुम ही तो हो, इट्स यू, मतलब इट इज यू, और यहां पर डैट नहीं करके हु करेंगे, क्योंकि यहां पर क्लॉज का हम यूज कर रहे हैं। तो इट्स यू हु जिसने इस बच्चा को रुला दिया, तो इट्स यू हु क्या करेंगे, मेड दिस चाइल्ड वीप, या फिर आप कराए भी लिख सकते हैं। तो इट्स यू हु मेड दिस चाइल्ड वीप, तुम ही तो हो जिसने इस बच्चा को रुला दिया। तो यहाँ पर देखें कि हम इसमें कॉजेटिव वर्ब का भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस है आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें मॉडल का यूज कर सकते हैं, पैसिव का यूज हो सकता है, चाहे जो भी जिस तरह का सेंटेंस आप कल्पना कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे तुम ही तो हो तो यू करेंगे। एक बात याद रखेंगे कि जैसे यू आया है यहाँ पर, ये अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है। लेकिन याद रखेंगे इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो जैसे ही हम हु या फिर डैट क्लॉज का यूज करेंगे तो यहाँ आने वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। हम इस सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं, जैसे मैं ही तो हूँ जो तुम्हें हमेशा मदद करता हूँ। तो अब देखेंगे इट इज आई, अब यहाँ पर इट इज मी नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद आने वाला है हु। इस तरह के सेंटेंस में जैसे ही हु या फिर डैट आने वाला बात हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर मी नहीं होगा, आई होगा, इस सीक्रेट को जान लीजिए। जैसे एम्फैटिक स्टेटमेंट में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हु या फिर डैट आने वाला है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो माने सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, इस सीक्रेट को जानना होगा। तो मैं ही तो हूँ तो इट्स आई हु जो तुम्हें हमेशा मदद करता हूँ, तो इट्स आई हु ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू, बिल्कुल सिंपल है, इस चीज़ को समझना होगा। उसके बाद क्या है,
अनुशासन ही तो देश को महान बना देता है। तो क्या करेंगे? अनुशासन ही तो इट्स डिसिप्लिन, इट्स डिसिप्लिन। और फिर यहाँ पर हम डेट का प्रयोग करेंगे, और डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यही होगा। तो इट्स डिसिप्लिन डेट देश को महान बना देता है, अनुशासन ही तो देश को महान बना देता है। इट्स डिसिप्लिन डेट मेक्स अ कंट्री ग्रेट। अनुशासन ही तो देश को महान बना देता है। इट्स डिसिप्लिन दैट मेक्स अ कंट्री ग्रेट, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है कि भगवान ही तो हैं जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, और बिल्कुल सत्य है। ईश्वर ही हैं जो प्रत्येक जीवों से प्रेम करते हैं, और हम और आप तो जाति देख करके, धर्म देख करके, हम सभी में ये मूर्खता कूट कूट कर भरा हुआ है। अपने धर्म के लोगों से प्रेम करते हैं, अपने जाति के लोगों से प्रेम करते हैं, ये मूर्खता की सबसे बड़ी पहचान है। अगर समझ में नहीं आए कि कौन मूर्ख है, तो इन बातों से तो आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई जाति धर्म देखकर ही प्रेम करता हो, किसी को सम्मान देता हो, भाईचारा रखता हो, तो मूर्ख है। पहचान बहुत आसान है। लेकिन ईश्वर सभी जीवों से प्रेम करते हैं, सभी को उन्होंने ही बनाया है, इसलिए वो सभी से प्रेम करते हैं। आपका बनाया हुआ जो भी रहे, घर द्वार जो भी है, आप कितना मानते हैं उस चीज़ को, हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो गॉड भी प्रत्येक जीवों से प्रेम करते हैं। तो भगवान ही तो हैं जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज गॉड, इट इज गॉड हु loves all creatures, who loves all creatures. It's God who loves all creatures. भगवान ही तो हैं जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, इंसान नहीं करता भाई। तो चलिए, अब उम्मीद है कि इस तरह का सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं आपसे सवाल पूछकर कि आप कहाँ तक समझे हैं। तो आज का सवाल है, मैं ही तो हूँ जो आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ही तो हूँ जो आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो इसे कैसे आप अनुवाद करेंगे? बस दिमाग लगाना है कि इट इज़ आई होगा, या इट्स मी होगा, या फिर क्या होगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और ज़रूरत समझने पर जवाब भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।